Yeah. So let's begin with Article 19 of the Indian Constitution. So what does Article 19 say? Article 19 gives us, today we will be covering Article 19. Today we will talk about the scope of Article 19, the restrictions, reasonable restrictions that are there in Article 19. And I also wanted to take certain cases, but मैंने सिर्फ एक केस की बात करी है, आगे केसेस हम कर लेंगे क्योंकि सेशन लंबा हो जाता ज्यादा, और फिर और ये बात एविडेंट है कि लोग लंबे लेक्चर में इंटरेस्ट थोड़ा कम कर देते हैं, सो इसलिए मैंने ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाया इसको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 हमें सिक्स डेमोक्रेटिक फ्रीडम देते हैं. डेमोक्रेटिक फ्रीडम मैंने वर्ड यूज किया है क्योंकि इन फ्रीडम से हमारी डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन होती है. We citizens of India have been given, all citizens shall have the right. Citizen. So Article 19 किसके लिए? Article 19 is for citizen, first of all. It should be clear in the mind. Now, Article 19 gives us certain freedom, certain democratic freedom, and we can exercise that freedom according to our will. Or there are certain reasonable restrictions also given in Article 19 only. जैसे 19-1 में if आपको freedoms दिए हैं, तो 19-2, 19-3, 19-4 इन सब में आपको restrictions दिए हैं. So I have not written that complete paragraph, but क्या restrictions हैं मैंने हर article में discuss कर लिया है, क्योंकि उतना बड़ा paragraph लिखना कोई उसका sense नहीं बनता. So let's talk about, I have formed a technique, a trick, जिससे आप याद कर सकते हैं चीजों को. Everybody knows that we have the freedom to speech and expression in Article 19-1A. ये तो सबको पता है कि हमारे पास 19-1A में freedom of speech and expression है, मतलब बोलने का और खुद को express करने का अधिकार है. बट बात किससे करेंगे? अकेले तो बात नहीं करेंगे, ऑब्वियसली ग्रुप में बात करेंगे. ग्रुप में बात करने के लिए कहीं आएंगे ना, वी मस्ट बी असेंबल एट सम प्लेस. तो 19-1B गिव्स राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, दिस राइट इज आल्सो इट. अब कुछ लोग साथ में ग्रुप में आए तो ऑब्वियसली कुछ रिलेशन बनेंगे, सो वी हैव द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन इन 19-1C. अब मिल लिए, ग्रुप बन गया, रिश्ते बन गए, तो फिर कहीं घूमने फिरने भी जाएंगे. सो 19-1D gives us freedom to freely move throughout the territory of India. हम पूरी इंडियन टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हैं. 19-1E says कि अब भाई घूम भी लिया, अब कहीं थक जाएंगे आप लोग, फिर कहीं बैठेंगे, कहीं रेस्ट लेंगे. सो 19-1E gives the freedom to reside and settle in any part of the territory of India. So we can reside and settle in any part and territory of India. अब रहेंगे कहाँ पे? रहने के लिए तो कोई जगह चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए ना. थक के किसी फॉरेन स्टेट, फॉरेन लैंड में जाके थक के आप बैठे, तो एफ में था राइट टू फ्रीडम इन 19-1F, बट उसको अब हटा दिया गया है राइट टू फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, क्योंकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उसको हटा दिया गया है. उसकी बात हम बाद में कर लेंगे कि क्यों हटा. सो फर्दर एंड 19-1G, अब भैया कहीं रहना है तो फिर यू मस्ट अर्न समथिंग. उसके लिए आपको कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई ऑक्यूपेशन करना पड़ेगा, कोई ट्रेड, कोई बिजनेस करना पड़ेगा. दिस वाज अ स्मॉल ट्रिक टू रिमेम्बर द व्हाट वी से क्रोनोलॉजी ऑफ द सब क्लॉज ऑफ आर्टिकल 19-1, कि किस तरीके से ये है. तो हमारे पास क्या क्या है? सिक्स है, इसमें 7 लिखे हैं जिसमें मैंने एफ को ओमिट कर दिया है. एफ इज ओमिटेड, विच टॉक्ड अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी. इसको हम वन बाय वन लेंगे, वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज है, इन राइट्स का क्या मतलब है, इनसे हमें क्या राइट मिलती है, और इसका क्या. एक चीज और मैं आपको बताऊं बिफोर गोइंग इनटू द इंट्रिकेसीज ऑफ आर्टिकल 19, दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. वी टॉक्ड अबाउट पॉजिटिव कनोटेड एंड नेगेटिवली कनोटेड, बट देयर आर एक्सप्लिसिट फंडामेंटल राइट एंड डिराइव्ड फंडामेंटल राइट. नाउ व्हाट आर दीज थिंग्स? एक्सप्लिसिट फंडामेंटल राइट इज अ फंडामेंटल राइट व्हिच इज वेरी वेल मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जैसे कि लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आपको बोलने का अधिकार है. इसमें ये तो नहीं लिखा है यू हैव फ्रीडम टू ड्रॉ, ड्रॉइंग बनाने का अधिकार है, ये तो कहीं नहीं लिखा. सो एक्सप्लिसिट फ्रीडम इज विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ डिराइव्ड फंडामेंटल फ्रीडम इज समथिंग विच सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी आती है. इट हैज बीन हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज नॉट एन एक्सप्लिसिट फंडामेंटल राइट. इट इज नॉट मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज अ डिराइव्ड कॉन्स्टिट्यूशन, डिराइव्ड फंडामेंटल राइट, बिकॉज इट इज अ डेरिवेशन, इट इज अ मीनिंग. अगर इसका हम मीनिंग निकालेंगे तो उसमें यह भी एक सब पार्ट आएगा. कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों को ही इन्फोर्स कर सकते हैं. बोथ द काइंड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर वेरी वेल इन्फोर्स्ड एंड दे हैव सेम लीगल सैंक्टिटी, बट इट वॉज जस्ट अबाउट द इंटरप्रिटेशन, कि मतलब किसी चीज का स्कोप बढ़ाने की बात करें तो एक्सप्लिसिटली तो कुछ चीज मेंशन होती है, एंड दे आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स विच आर डिराइव्ड, जो कोर्ट बताता है कि सर दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट. So,
दिस वॉज थोड़ा आपको इंट्रोडक्टरी दे दिया मैंने, क्योंकि आगे हम कुछ डिराइव फंडामेंटल राइट की बात करेंगे. सब कुछ लिखा नहीं है, बट आप देखेंगे कि हमारे आसपास जो चीजें होती हैं वो कौन सा फंडामेंटल राइट हमें वो राइट्स देता है. तो आपको मजा आएगा आज के सेशन में, आई होप. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले 19(1)(a) की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आपको बोलने का, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. वन कैन स्पीक एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ. नो यू टेल मी, एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. एक्सप्रेशन मतलब सिर्फ ऐसे बोल के तो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके से खुद को एक्सप्रेस किया जा सकता है. वो तरीके क्या है? समवन कैन राइट, कोई लिख के रखे एक्सप्रेस कर सकता है, कोई सिंगिंग करके, आप भाई किसी को आप किसी के बारे में कुछ कहना है तो आप गा के भी कह सकते हैं. कोई समवन कैन प्रिफर द ड्रामा मेथड, ड्रामा से भी आप चीजें एक्सप्रेस करते हो, डांस से, सिंगिंग से, इवन जेस्चर बना के. वी कैन मेक सर्टेन सिंबल्स एंड साइंस एंड कन्वे आवर मैसेज और एक्सप्रेस आवर मैसेज. ये सारी चीजें क्या है, आपको ये सारे फ्रीडम्स आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर मिले हैं. राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बोलना और खुद को एक्सप्रेस करना. अगर आपको श्रेया सिंगल का केस याद है, सो आई सेड कि उसमें फेसबुक पे जो पोस्ट किया था श्रेया सिंगल जी ने, जिस कारण से उनको उनपे केस इनिशिएट कर दिया गया था अंडर आईटी एक्ट ऑफ 2066 से, तो उसमें यही कहा गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायोलेट करता है ये प्रोविजन. क्यों? क्योंकि राइटिंग उन्होंने लिखा था ना भाई फेसबुक पे, शी रोट समथिंग. And they said that it contradicts, the court said it contradicts the provisions of Article 19(1)(a). So that is why expression, in the term of expression, there are a lot of things. Even voting comes in the form of expression. Vote karna bhi ek expression ka form hai. You are expressing your faith ki bhaiya main isko, this particular guy I want to be in. Ab dekhiye, kuch bade interesting cheeze mujhe pata chali. Ek bada participating in sports is also right to expression. Suppose you want to represent your country. So you have certain faith for your country and you have love and affection for your country and you want to express that love for the country by participating in sports. तो ये भी आपका fundamental right है. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप cricket खेलने जा रहे हैं तो अगर जो government की team है, government authority है, वो they will discriminate with you, कह देंगे नहीं आपको मौका नहीं देंगे, बस मेरी मर्जी आपको मौका नहीं देंगे. सबको बराबर मौका देना चाहिए. So this is also a type of fundamental right. आप court को move कर सकते हो, sir they are discriminating with me. ऐसा करके. अब सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट था वो था होस्टिंग द फ्लैग. होस्टिंग द फ्लैग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन. यू आर एक्सप्रेसिंग योर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स द कंट्री. अब इसका एक बड़ा अच्छा केस हुआ, मैंने लिंक शेयर किया है ग्रुप पे, नवीन जिंदल केस. कुछ लोग अगर जिंदल की एक स्टूडेंट है हमारे साथ, सो जिंदल बड़ा इंटरेस्टिंग केस था. जिंदल ग्रुप का बहुत ज्यादा हर जगह ऑफिस थे. इफ यू विल रीड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, सो अर्लियर आपको मैं बताऊँ बहुत सरप्राइजिंग बात, कि अर्लियर फ्लैग, इंडियन फ्लैग सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस में ही यूज होते थे. प्राइवेट प्लेस पे आप इंडियन फ्लैग नहीं लगा सकते. आपका घर है तो आप वहाँ इंडियन फ्लैग नहीं यूज कर सकते. इफ देयर इज अ प्राइवेट ऑफिस यू कैन नॉट यूज इट. सो व्हाट हैपेंड दैट नवीन जिंदल ने एक डेट पे, एक पर्टिकुलर डेट पे इन 2004, हर जगह इंडियन फ्लैग होस्ट कर दिया, अपने सारे ऑफिस पे लगा दिया. मे बी ही वॉज वेल वर्स दैट वॉट इज गोइंग टू हैपन. उसने हर प्राइवेट प्लेस पे नेशनल फ्लैग लगा दिया. फिर किसी को दिक्कत हुई, समवन चैलेंज दिस प्रोविजन एंड सेड दैट एज अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, देयर इज अ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया विच टॉक्स अबाउट कि फ्लैग की डायमेंशन कितनी होगी, फ्लैग का शेप क्या होना चाहिए, उसकी कुछ, क्योंकि यू नो इट इज अ वेरी सेक्रेट थिंग, तो उसको लेकर के भी एक पर्टिकुलर कोड है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, जिसमें बात होती है. तो उसमें कहा गया था कि प्राइवेट प्लेसेस पे उसको यूज नहीं कर सकते, पहले प्रोविजन था. सो नवीन जिंदल ने ऐसा किया, तो कोर्ट में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गया केस. सो नवीन जिंदल सेड दैट आई एम एक्सप्रेसिंग माय लव टुवर्ड्स द कंट्री बाय होस्टिंग दिस फ्लैग, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट. सो द कोर्ट फाइनली सेड दैट यस, फ्लैग इज नॉट अ सिंपल cloth, it has a lot of meaning, it has a lot of feeling, and we all have this freedom that we can express our love towards the country by hoisting the flag. So in Naveen Jindal case, ye bataya gaya ki hoisting the flag also comes under the freedom, under the this scope of expression. To aap samajh sakte hain speech and expression ka scope kitna bada. Sports khelne se lekar ke flag hoist karne tak, singing, dancing, ye to sabko pata hota chaliye. स्पीकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब एक्सप्रेस करने का ही मेथड है. बट ये सारी चीजें भी हैं. इवन कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट करना, जो आप एड देखते हैं, दिस आल्सो कम्स, इट इज आल्सो सेफ गार्डेड बाय द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इवन फ्रीडम ऑफ साइलेंस इज आल्सो पार्ट ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन. अगर आप चुप रहना चाहते हैं तो ये भी आपका राइट टू एक्सप्रेशन के अंदर ही आता है. इसको लोग इवन, सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इसके अंदर आती है. अब आगे बढ़ते हैं. मेरे पास एक मैसेज आया है, सर कैन आई होस्ट फ्लैग ऑफ अ रिलीजन. रिलीजन का फ्लैग क्या होता है सिद्धार्थ? मतलब
आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ पर्टिकुलर ऑफिशियल फ्लैग. लोग अपने अनऑफिशियल यूज करते हैं और करते हैं. अब मैं अजमेर गया था, आई वेंट टू अजमेर टू ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह गया था. आई वेंट देयर, सो इन दैट होल लेन देयर वर that was dominated by Muslims, so they were have a certain flag, like Islamic flag, so that there was no someone is writing Bhagwa flag. Ashutosh Bhagwa does not have the copyright of Hinduism, it is just a political, it has political meaning. Jo log Bhagwa use nahi karte unka bhi ek religion ko leke pyar ho sakta hai. So होस्ट कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. फ्लैग होस्टिंग पे भी एक मैंने इंटरेस्टिंग सा केस आगे लिया है, वो हम बात करेंगे आगे चल के सिद्धार्थ. तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन एक्सप्रेस योर एनी लव एंड अफेक्शन. अब कुछ ग्राउंड्स है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, हम उस रिस्ट्रिक्शंस की बात कर लेंगे, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा. अगर आपका ये एक्ट उस रिस्ट्रिक्शंस के परव्यू के बाहर है तो यू कैन वेरी वेल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो इन सब चीजों को क्या कहते हैं हम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब आगे बढ़ते हैं, राइट टू प्रेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. दिस राइट टू प्रेस also comes under right to expression. जो प्रेस को राइट मिली है, प्रेस को कोई अलग से राइट नहीं दे दी गई है कि सर यू आर प्रेस सो यू आर सुपीरियर पर्सन, आप ज्यादा बोल सकते हैं, आप खुद को ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ प्रेस एंड नॉर्मल सिटीजन कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ एज अ प्रेस कैन. देयर इज नथिंग लाइक दैट. प्रेस एंड नॉर्मल सिटीजन हैव इक्वल राइट्स. उनके पास भी फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19(1)(a) के ही से ही निकला है. दैट अब क्यों निकला, रीजन क्या था. सपोज के लिए पेटा का नाम सुना होगा आपने. पेटा इज अ ग्रुप फॉर एनिमल्स, एनिमल के सेफ गार्ड के लिए, वाइल्ड लाइफ की सेफ गार्डिंग के लिए पेटा काम करती है. सो सपोज करिए देयर इज अ मेंबर और एक्टिविस्ट ऑफ पेटा एंड नाउ शी वांट टू टॉक अबाउट द प्लाइट और एंड द डेंजर्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को क्या दिक्कत है, उनके क्या हार्म्स है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से एनिमल्स को कितनी प्रॉब्लम हो रही है. अगर ये बातें बाहर रखना चाहता है कोई एक्टिविस्ट है समझ, सपोज करें पेटा का, तो उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए. तो she can write an article regarding that, or even if there is some health issues with tribal women in a particular part of the country, so she can express these things. यहाँ मैंने इन example की बात इसलिए करी क्योंकि यहाँ जो particular person है वो अपने बारे में express नहीं कर रहा है, she is expressing about someone else. So this is also granted under article 19(1)(a) that you have the freedom to express not just about yourself but even about others. आप औरों को भी express कर सकते हो. so freedom of press यही तो है. प्रेस में आप क्या होता है, आप प्राइम मिनिस्टर की बात करते हो, आप अपोजिशन की बात करते हो, आप किसी पर्टिकुलर, आप जरूरी नहीं हर बार वो जो कोई एक टीवी चैनल ग्रुप है सपोज करते हैं आज तक है, तो वो सिर्फ आज तक के बारे में तो बात नहीं करता ना, ही कवर्स अबाउट एवरीथिंग, ही एक्सप्रेसेस ओपिनियन ऑन एवरीथिंग. सो दैट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस और राइट टू प्रेस. कि 19(1)(a) में सिर्फ आपके पास खुद को ही एक्सप्रेस करने का राइट नहीं है, और लोगों के बारे में भी आप एक्सप्रेशन दे सकते हो, यू कैन एक्सप्रेस अबाउट अदर्स ऑल्सो. और इसका बहुत ही खूबसूरत पॉइंट आपको बता दूं, और जो लोग भगवा कर रहे हैं उनके लिए, कि इट आल्सो मींस दैट वी हैव अ फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट, वन कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, दिस इज अ फ्रीडम वेरी मच सेफ गार्डेड बाय 19(1)(a). इवन अभी जस्टिस चंद्रचूड़ ने बड़ी अच्छी लाइन कही थी डिसेंट के बारे में, कि डिसेंट इज द लाइफ ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, कि डिसेंट बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, इट्स अ बेसिक एसेंशियल ऑफ डेमोक्रेसी. डिसेंट क्या होता है, मैं डिसेंट समझा दूं टू दोज हु आर नॉट अवेयर. डिसेंट मींस किसी बात से सहमत ना होना, असहमति. हो सकता है आपकी किसी बात से मैं सहमत नहीं हूं, तो देयर कैन बी पॉलिटिकल डिसेंट एंड देयर इज नो रॉन्ग इन दैट. सो इन 19(1)(a) इटसेल्फ वी हैव द फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट एंड वी कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट वेरी वेल. गवर्नमेंट वर्ड लिखा है, मैंने कंट्री वर्ड नहीं लिखा है. नहीं शुरू हो जाओ JNU वाला नारे लगाना शुरू कर दो. आई हैव यूज द वर्ड गवर्नमेंट एंड बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होते हैं गवर्नमेंट इज इक्वल टू कंट्री. नो, गवर्नमेंट इज नॉट इक्वल टू कंट्री. यूनियन ऑफ इंडिया इज नॉट इक्वल टू यूनियन गवर्नमेंट. इस बात को दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए. गवर्नमेंट इज समथिंग एल्स एंड द कंट्री इज समथिंग एल्स. दे आर टू सेपरेट एंटिटीज. सो उनको भी हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं अंडर 19(1). एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, RTI एक्ट आया. व्हाट इज RTI? राइट टू इंफॉर्मेशन. सो राइट टू इन्फॉर्मेशन लाया ही इसलिए गया क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) में आपको बात करनी. इफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू टॉक समथिंग अबाउट गवर्नमेंट, बट फॉर स्पीकिंग समथिंग अबाउट गवर्नमेंट यू मस्ट हैव सम इन्फॉर्मेशन ना, ऑन विच यू विल स्पीक समथिंग, यू विल गिव प्रेजेंट सम डेटा. गवर्नमेंट के बारे में आपको कुछ बात करनी है तो कुछ डेटा भी तो होना चाहिए, किस बारे में बात करेंगे. इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो बोलेंगे. इफ यू नो कि पीएम केयर्स में कितना पैसा आया है तभी तो आप कहोगे कि यूनियन ऑफ इंडिया मीन्स द कंट्री ब्रो. यूनियन ऑफ इंडिया डज नॉट मीन द गवर्नमेंट. यूनियन ऑफ इंडिया वर्ल्ड एविडेंट है, इंडिया, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही. सो RTI जैसे है,
आरटीआई क्या है? एक प्रोसेस है. आरटीआई में प्रोसेस बताया गया हाउ टू गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. इट टॉक्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग 19(1)A के लिए भी लाया गया. अब आपको कोई बात करनी है, मैं जो एग्जांपल ले रहा था पीएम केयर्स की, पीएम केयर्स क्योंकि गवर्नमेंट का पार्ट ही नहीं है, उसको ट्रस्ट बता दिया गया है, तो वैसे तो ये बहुत हद तक वैलिड नहीं है, बट फिर भी एक सपोजिटली आपको एक आर्टिकल लिखना है पीएम केयर्स पे, तो आपको पता ही नहीं है पीएम केयर्स में कितने अमाउंट आए, तो आप कैसे लिखोगे? तो फॉर दैट यू विल फाइंड एन आरटीआई. फिर आपको गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन देगी कि सर इतना अमाउंट हमारे पास आया है, तब आप उसके बारे में एक आर्टिकल लिख सकते हो. आप बात कर सकते हो खुल के कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, सो गवर्नमेंट शुड यूटिलाइज दिस फंड इन दिस पर्टिकुलर मैनर सो दैट इट कैन बेनिफिट द जनरल पब्लिक. सो द आरटीआई इज ऑल्सो फीचर ऑफ 19(1)A. तो आई होप कि आज आपको बहुत सारी नई बातें पता चल रही होंगी इन दिस प्रोसेस की 19(1)A का स्कोप बहुत बड़ा है. मीन्स आफ्टर 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 19(1)A इज अब आई थिंक सबसे ज्यादा इंटरप्रेट किया गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. सो दिस इज नाउ ऑल्सो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ डिराइव्ड फंडामेंटल राइट. डिराइव्ड क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बताया, लिखा तो नहीं था आर्टिकल 19 के वर्ड में दैट यू हैव अ फ्रीडम ऑफ प्रेस, बट इट कैन इट इट हैज इन इट ओन इट इट कवर्स दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस. ओके, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. अगर प्रोविजन समझ में आ गया तो मैं रेस्ट्रिक्शन पे आऊँ. प्लीज आप लोग येस लिख दिया करिए ताकि मेरे को समझ में आ जाए दैट आई एम क्लियर. ओके भैया थैंक यू. सो आई टॉक्ड अबाउट द प्रोविजंस कि क्या प्रोविजंस है. आप बोल सकते हैं, गा सकते हैं, लिख सकते हैं, खेल सकते हैं, वोट कर सकते हैं, झंडे फहरा सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेस्ट्रिक्शंस. आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज आंसर करिएगा. आप वो करिए, खुद को हाथ रेज हैंड करिए, मैं अनम्यूट करूंगा. कैन यू होइस्ट द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान? क्या आर्टिकल 19 गिव्स अस द पावर ऑफ होइस्टिंग द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान? सो सिद्धार्थ, यस आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू एज यू हैव. I will ask with Sachin Gautam today. Siddharth, wait. I have given you certain times. Let me ask from Sachin today. Yeah, Sachin. Can we hoist the flag of Pakistan? No. Sachin? Yes. No, sir. Yes or no? No. Lock kar de. Okay, Sachin. You are wrong. We can very well hoist the flag of Pakistan. Because if I will ask from you, can okay, let me take in this manner. Sachin, please unmute yourself. Can yes, we hoist sir. The flag of United States? Yes, sir. Why can we hoist the flag of United States and why can't we hoist the flag of Pakistan? Both of them are separate countries. So, aisa bhedbhav kyun? One is our enemy. Hostile country. In which act or where had the government declared Pakistan as the enemy of India? But we see cases in newspapers about people being arrested. Crisis. We saw crisis with the United States also recently. Mr. Trump said that if they will not provide us that medicine, then he just literally threatened us. So crises are there with many countries. I don't know, sir. Sorry. No problem, Sachin. I like the part that you अच्छे से अपना reasoning रखें. Siddharth, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? So. I don't want to counter your point because I think that's right what you have said. But according to me, like it's a sedition to do something. So to speak or do something against the country. So Pakistan ko ka flag karna against the country kaise main janna chahta hu? Yes, sir. I don't know the answer of that question. अगर पाकिस्तान का flag hoist करना against the country है, तो United States का भी flag hoist करना against the country होगा. रशिया का तो बहुत प्यार से, हम ब्राज़ील का बोल्सोनारो, वाओ, दे सेलिब्रेट, पीपल फुटबॉल का मैच देखते हैं, अर्जेंटीना को सपोर्ट करते हैं. Yes, sir. I agree to your point. I don't know. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम मुझे अच्छे लगता है, स्टीव स्मिथ, तो मुझ पे सेडिशन लगा दोगे. Yes, sir. I agree to your point. Okay, Himanshu wants to say something. Yes, Himanshu, please. सर हम कर सकते हैं, जैसे इंडिया में भी काफी मुस्लिम्स हैं, तो पाकिस्तान का फ्लैग होस्ट करना चाहे कर सकते हैं. नहीं, ये तो बहुत ही इलॉजिकल आर्गुमेंट आपने दे दिया हिमांशु, आई एम सॉरी. मुस्लिम से पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है? पाकिस्तान तो मुस्लिम तो टर्की भी में भी बहुत मुस्लिम्स रहते हैं. डोंट कंपेयर मुस्लिम एंड पाकिस्तान आर टू सेपरेट एंटिटी. डोंट कंपेयर इट. वो एक डिफरेंट कंट्री हो गया. राज वांट्स टू से समथिंग. यस राज, आई हैव अनम्यूटेड यू. Raj, you can speak. Yes, Raj. Hello. Yes.
सर हम क्या कह रहे हैं कि अभी इंडियन हिस्ट्री में सर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसने जिसमें इंडिया ने कभी किसी कंट्री को अपना इनेमिक कंट्री माना है, इवन पाकिस्तान war, when we are on a war the when we are in a war Raj the opponent country is ultimate it is derived that it लेकिन ऑफिशियली मतलब जनरली हम लोगों ने किसी को अपना इनेमी कंट्री नहीं माना है. और इसका जो आंसर है सर कि मतलब क्या पाकिस्तान का झंडा कोई मतलब वो कर सकता है, फ्लैग कर सकता है, तो हाँ वो कर सकता है, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे हम लोगों का एक मॉरल कंडक्ट बीच में आता है. हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग अपने मन में सोचते हैं कि पाकिस्तान मतलब ये टेरर वगैरह अटैक हुआ तो पाकिस्तान में, कुलभूषण जाधव का केस हुआ तो पाकिस्तान वो इसके लिए गिल्टी है, इसलिए हम लोगों का एक मॉरल कोड अब हमारे सामने आता है जिस कारण से हम लोग क्या कहते हैं कि पाकिस्तान का झंडा मतलब फ्लैग करना ये इलीगल है, मतलब कि वो देश विरोधी है, लाइक दिस. सर मैं ऐसा सोचता हूँ. वंडरफुल वंडरफुल राजा, आप बहुत हद तक सही हैं, 90% सही हैं, 100% मैं कर दूंगा, चिंता मत करिए. थैंक यू. रिया वॉन्ट्स टू स्पीक समथिंग. रिया मैं थोड़ा सा इसको बायलैटरल बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि टॉपिक आज का इंटरेस्टिंग है. या रिया प्लीज, आई वन म्यूटेड यू. सर इंडिया सेक्युलर कंट्री है तो एवरीवन कैन प्रोफेस देयर रिलीजन. एंड सर इफ समवन इज प्रोफेसिंग सम रिलीजन तो उसको फुल राइट है कि वो अपना फेथ उसके लाइक उसकी तरफ दिखाए. तो वी कैन होस्ट द पाकिस्तानी फ्लैग. रिलीजन का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है? सर इफ समवन बिलीव्स इन पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है, मतलब आप थोड़ा समझाइए और ब्रेक करिए इसको. नो इश्यूज. Okay, Shreya wants to say something. Yes, Shreya, I have unmuted you. Riya, मैं आपको connect कर दूँ. Pakistan does not represent Muslims in this world. To be very clear, ये एक misconception लोगों में. There are many Islamic countries, यार, Turkey, बहुत सारे countries हैं जहाँ Pakistan से ज़्यादा Muslim रहते हैं. हमारे India में Pakistan से ज़्यादा Muslim रहते हैं. So why can't we hoist the flag of India and say that yes, अगर आप वो connection लगा रही हैं, well, though कोई connection नहीं है. There is not no nexus between this particular thing कि if someone is Muslim, so he will hoist the flag of Pakistan. This is very illogical statement. Okay, Shreya, I am unmuting you. Pakistan ki hum kisi bhi country ka flag host kar sakte hain. But agar Pakistan ka case dekhe, to Pakistan bahut Pakistan ka relation India ke saath like enemy jaisa hai. Aapko pata hai, he was given Pakistan had the tag of most favored nation MFN recently. Agar wo Pulwama attack se pehle MFN था उनके पास, मोस्ट फेवर्ड नेशन, मतलब इवन इतने वॉर हुए उसके बाद भी कि ट्रेड में बहुत सारे उनको कंसेशन मिलते थे, बीइंग एन MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन. गूगल करिएगा इस बारे में. हाँ कंटिन्यू प्लीज श्रेया. यस यस सर, बट पाकिस्तान ने हमारी आर्मी आर्मी के लिए आर्मी को भी बहुत ही ये करा है, मींस आर्मी के लिए आर्मी को भी उन्होंने बहुत मारा है, जो कि मींस अननेसेसरी मारा है. एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान जो है एक एलियन एक इनिमी कंट्री की तरह एक्ट करता है, तो हम पाकिस्तान का फ्लैग होस्ट नहीं कर सकते. ओके श्रेया, मैंने सबके आंसर सुने, सबकी अपनी रीजनिंग थी. आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू. अब मैं अपनी रीजनिंग देता हूँ. वी कैन होस्ट द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, वी कैन वेरी वेल होस्ट द वेस्ट फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, बट इसका कोई कनेक्शन मुस्लिम से, इस्लामिक कंट्री होने से, इन चीजों से, या हमारे सेकुलर होने से नहीं है. We are expressing ourselves. Simple. जो मैं कब से बात कर रहा हूँ, मेरे पास भाई खुद को एक्सप्रेस करने का राइट है. अगर अगर मेरे पास राइट है खुद को एक्सप्रेस करने का, तो मैं उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ. लोग अर्जेंटीना को सपोर्ट करते हैं कि नहीं इन फुटबॉल? दे सपोर्ट मेसी, दे सपोर्ट स्पेन एंड ऑल दिस कंट्रीज. सो दे कैन आई कैन वेरी वेल और यू कैन वेरी वेल होस्ट द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ यूएसए. सबका स्टेटस सेम है. जितना राइट यूएसए का हमें होस्ट करने का है, उतना ही पाकिस्तान का भी फ्लैग होस्ट करने का. एवरी सबका सबका सेम है. अब सुनिए डिफरेंस क्या है. अगर सपोज करिए आज वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है, टुडे इज वर्ल्ड कप फाइनल, ओके. अब इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया हार गई पाकिस्तान से मैच, और फिर आप पाकिस्तान का फ्लैग पूरे छत पे लहरा रहे हैं और गलियों में घूम रहे हैं. सो दिस राइट इज यू कांट एक्सप्रेस दिस राइट. ये नहीं है आपके पास.
क्यों? क्योंकि इट विल डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर, इससे वायलेंस इरप्ट हो सकता है, लोगों के अंदर गुस्सा आ सकता है आपके इस एक्ट से, तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। नॉर्मल केसेस में आप कर सकते हो, वैसे इंडिया का जैसा आज के टाइम में लोगों के सेंटिमेंट है, अगर करेंगे तो मे भी थोड़ा डेंजरस हो सकता है, जान मान का नुकसान हो सकता है। लेकिन अब अग्निमित्रा तिवेरी कहते हैं इफ आई होस्ट ISIS फ्लैग, अग्निमित्रा अगेन बैक टू द पॉइंट पब्लिक ऑर्डर, अरे भैया सारे कंट्री का होस्ट कर सकते हो, कंट्री वाइज मेरे से मत पूछो, चाइना पाकिस्तान इंग्लैंड सारे कंट्री का होस्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे मैंने बताया कि अभी वो पाकिस्तान से फाइनल मैच अगर हम हार गए और सड़क पे आप पाकिस्तान का फ्लैग ड्रॉन लग जाओ, लेकिन अभी जो कंट्री की सिचुएशन है अगर आप उसको सोचें तो आज की डेट में अगर आप पाकिस्तान का फ्लैग होस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट मे नॉट एक्ट अगेंस्ट यू, बट फेलो सिटीजन्स कैन डू समथिंग। ये आजकल तो लोग थोड़ा ज्यादा क्या कहते हैं वायलेंट हो गए, तो ही हो सकता है वो एट योर ओन रिस्क वाला कंडीशन है, गॉड सेव यू। ठीक है, सो लेट मी कम बैक टू द रेस्ट्रिक्शंस। तो रेस्ट्रिक्शंस मैंने क्या, ये रेस्ट्रिक्शंस है पब्लिक ऑर्डर की, मैं बेसिकली बात करना चाहता हूँ। पब्लिक ऑर्डर आप भंग नहीं कर सकते, मीन्स पब्लिक ऑर्डर मीन्स द पीस, यू कांट डिस्टर्ब द पीस। अब आपके एक्ट से पीस खराब हो जाए तो गवर्नमेंट कैन नॉट सपोर्ट दैट पर्टिकुलर एक्ट एंड से दैट यस यू हैव राइट अंडर आर्टिकल 19, तो आप वैसी चीजें नहीं कर सकते। सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी, अब आप स्पीच देने लग जाओ, ऐसी स्पीच देने लग जाओ, suppose you say that Kerala should not be part of India, we should merge in any other country, we should merge in Sri Lanka or something like that, agar aap aisi speech dene lag jao, so then you can do that, it is violative of article 19, integrity ke khilaf hai, aap desh ko todne ki baat kar rahe ho, security of the state ke khilaf aap information de rahe ho, express kar rahe ho, jaise ki maine baat kari thi kal bhi, suppose you belong to you have some sensitive information regarding the some army operation and you have leaked this to someone else, किसी को भी, जरूरी नहीं कि आप फॉरेन कंट्री को लीक कर रहे हो, कहीं ऐसी जगह लीक कर रहे हो विच कैन अट्रैक्ट हार्म टू द कंट्री, तो वहां भी आपका आर्टिकल 19 बैंड है, वहां रिस्ट्रिक्शन, इसको हम कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, दीज आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, डिसेंसी एंड मॉरलिटी। सो एक गायक है हनी सिंह नाम से, सो ही सिंग सम सर्टेन सॉन्ग्स और कुछ सॉन्ग्स उसके इनडिसेंट होते हैं, तो इसलिए उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता, क्योंकि आप ऐसे इनडिसेंट सॉन्ग नहीं गा सकते। सो यू नॉर्मल गाना गा सकते हैं, ही हैज सम नॉर्मल सॉन्ग्स आल्सो, सो दिस इज अ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 जो कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन देता है। फ्रेंड रिलेशंस की बात करते हैं, अब आप हमारे US से भी रिलेशन थोड़े ठीक चल रहे हैं, अब आप रोज आर्टिकल लिख रहे हो, इतना खतरनाक आर्टिकल लिख रहे हो जिससे हमारे और US की रिलेशनशिप खराब है। सपोज यू आर अ जर्नलिस्ट एंड डेली यू आर राइटिंग आर्टिकल्स दैट USA हैव ऑलवेज बैकस्टैब्ड अस, वी कांट ट्रस्ट ऑन USA, ट्रंप इज अ फूल, ही डोंट नो हाउ टू एक्ट, बहुत तरीके डेली आप ऐसे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो और सब कुछ आज की डेट में पब्लिक डोमेन में आती है। सो USA इज गोइंग थ्रू दैट, सो इट कैन इफेक्ट द फ्रेंड रिलेशन ऑफ आर्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स, सो ऑन दैट पर्टिकुलर इन दिस ग्राउंड द स्टेट कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग दिस काइंड ऑफ और एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। तो ये मैंने आपसे डिसेंसी एंड मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंड, अच्छा मॉरलिटी की मैंने ज्यादा बात नहीं करी, इसलिए नहीं करी क्योंकि चीजें डिसेंसी में आ जाती हैं, मॉरलिटी में ज्यादा आती नहीं है, बिकॉज वट मे बी मॉरल टू यू मे नॉट बी मॉरल टू मी। सपोज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक बंगाली आदमी हूँ, ठीक है, मैं मान लेते हैं हूँ मैं, सो नाउ आई वॉन्ट टू मैरी अ बंगाली वुमेन ओनली, एंड आई थिंक दैट इफ अ बंगाली डज नॉट मैरी अ बंगाली वुमेन, सो इट इज इमोरल, मोरली एक बंगाली मेल को बंगाली फीमेल से ही शादी करनी चाहिए, ठीक है। सपोज करिए कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके अकॉर्डिंग टू हिम देर इज नथिंग मैरिज में मोरल, ये है कि आपको जो पसंद हो, जिससे आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो, आपको उससे शादी करनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग मॉरलिटी की डेफिनेशन वो है, मेरी अकॉर्डिंग मॉरलिटी की डेफिनेशन ये है, ना आप मुझे गलत कह सकते ना आप उसे गलत कह सकते। सो मॉरलिटी इज अ डाइसी वर्ड, मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत सारे हो सकते हैं, व्हाट मे बी मॉरल टू यू मे नॉट बी मॉरल टू मी, एंड व्हाट इज मॉरल टू मी मे नॉट बी मॉरल टू यू। तो इसलिए मैंने मॉरलिटी पे ज्यादा बात नहीं करी, डिसेंसी पे जनरली आ जाता है, तो इनडिसेंट एक्ट करोगे तो एनीवे इमोरल एक्ट जो होते हैं वो इनडिसेंट भी होते हैं। ओके, सो दिस वर द रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19(1)(a), सो दिस वाज इट वाज द मेन सेक्शन। अब जो आगे के सेक्शन है वो बहुत छोटे छोटे हैं, उसमें कोई ज्यादा ट्रिक नहीं है, मेन यही था। इसमें हमने नवीन जिंदल का केस, एक बशेश्वर नाथ का केस है, बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स, उसमें मैंने आपसे कहा कि राइट टू साइलेंस है हमारे पास, ये सर्च, ये केस आप सर्च करेंगे और आप रिसर्च करके लाएंगे, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं चाहता इस पर देना, इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन वेविंग ऑफ ऑफ फंडामेंटल राइट करके है, बशेश्वर नाथ वर्सेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नाम मैंने फिर से बता दिया। सो इन दिस पर्टिकुलर केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड करती है एक पर्टिकुलर पर्सन को, उसके यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी और एसेट पाए जाते हैं, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्वेश्चन करती है कि आपके पास इतने पैसे, इतना एसेट कहाँ से आया, तो ही सेड दैट
I will not express, मैं बताऊंगा ही नहीं, because I have right to be silent under article 19(1). Right to expression में right to silence है, अब मैं government authority को answer नहीं दूंगा, जाइए। तो आप इस case को पढ़िए, इस case में क्या हुआ, और फिर मुझे बताइए। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया fact, क्योंकि fact interesting थे। बशेश्वर नाथ versus income tax department. Okay, moving further. Let me talk about 19(1)(b). 19(1)(b) freedom of assembly. Assembly का freedom है हमारे पास, हम assemble कर सकते हैं। अब इसके बहुत सारे मतलब हैं। Public meetings हम hold कर सकते हैं। मैं zoom, अभी ये जो हम कर रहे हैं, this meeting is also under 19(1)(b). जो मैं बोल रहा हूँ वो 19(1)(a) के अंडर हो गया। जो अभी हम कर रहे हैं, we are assembling ना, on a virtual platform maybe, but we are assembling. So this freedom has been granted by the Constitution of India itself. Right to procession, जुलूस निकालना होता है। जैसे मुहर्रम पे जुलूस निकलती है, दुर्गा पूजा पे जुलूस निकलती है। So we also have right to procession. हमारे वो भी फ्रीडम ऑफ असेंबली के अंडर ही आता है, बट दैट शुड बी पीसफुल। ऐसा नहीं है कि गन्स एंड आर्म्स लेकर के आप प्रोसेशन निकाल रहे हो, ठीक है। अब एक चीज और है जो नोटिस करने वाली बात है, दिस फ्रीडम इज एक्सरसाइज ऑन पब्लिक लैंड, नॉट ऑन प्राइवेट लैंड। अब आपको सोचिए, राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग है आपके पास, फंडामेंटल राइट, यू कैन होल्ड पब्लिक मीटिंग। नाउ टुमारो यू विल से दैट आई वांट टू होल्ड अ पब्लिक मीटिंग विद ऑल माय टीममेट्स। मैं कहता हूँ, सपोज करिए कि फिलोमैथ के जितने कोर टीम के लोग हैं और जितने हमारे कैंपस एम्बेसडर हैं, I want कि हम सब एक मीटिंग करें JW Marriott में जाके, या फिर हम सब ताज होटल में जाके पब्लिक मीटिंग करना चाहते हैं। They stopped us कि सर अंदर क्यों जा रहे हो? I said I have my right to hold public meeting and I have freedom of movement. I can go anywhere and hold a public meeting. So ये ऐसा नहीं हो सकता, पब्लिक लैंड पे आपके पास ये राइट है, पर प्राइवेट लैंड पे नहीं है। किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे या प्राइवेट ऑफिस पे जाके आप ये नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन है, स्ट्राइक लीगल है या नहीं है? मैं थोड़ा सा फिर बात करूंगा, थोड़ा सा, क्योंकि टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, वन वे हो ही नहीं सकता। तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, इज स्ट्राइक अ फंडामेंटल राइट? गोइंग ऑन स्ट्राइक इज अ फंडामेंटल राइट? अरे यार, इसमें तो आंसर भी लिख दिया मैंने। सो ओके, रेज योर हैंड, व्हाट डू यू थिंक इज द लीगल स्टेटस ऑफ स्ट्राइक? कोई रेज हैंड ही नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। अच्छा, स्ट्राइक क्या होता है? धरना करना होता है। तीन चार लोग हैं, श्रेया, सिद्धार्थ, राज, ये लोग, आई एम वेरी थैंकफुल आप लोगों को कि आप इतना इन्वॉल्वमेंट लेते हैं सेशन में। तो स्ट्राइक, जैसे सपोज करते हैं एक ऑटो रिक्शा यूनियन है, देयर इज अ यूनियन ऑफ ऑटो रिक्शा। नाउ दे सेड दैट वी विल गो ऑन स्ट्राइक, उन्होंने कहा कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे। नाउ हु विल सफर? पब्लिक विल सफर, बिकॉज दे कैन नॉट सफर। अब सफर तो वो कर नहीं सकते, तो पब्लिक ही सफर कर रही है अगर ऑटो यूनियन वाले स्ट्राइक पे चले गए। तो स्ट्राइक फंडामेंटल राइट में नहीं आता। अगर आप कहोगे गोइंग ऑन स्ट्राइक इज अ फंडामेंटल राइट, सो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ लीगल राइट। हाँ, लीगल है, इलीगल नहीं है, स्ट्राइक कर सकते हो आप, यू आर वेरी मच कॉम्पिटेंट टू डू स्ट्राइक, बट फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर गवर्नमेंट आपको मना कर रही है स्ट्राइक करने से, तो यू कांट गो टू द कोर्ट एंड से सर दिस इज माई फंडामेंटल राइट, दे आर वायोलेटिंग माई फंडामेंटल ऑफ स्ट्राइक। अब एक चीज होती है बंद। बंद इज अ हायर डिग्री ऑफ स्ट्राइक। बंद क्यों? बंद में क्या होता है कि कोई, अब स्ट्राइक में चलिए एक पर्टिकुलर एसोसिएशन ने कहा कि हम कुछ काम धंधा नहीं करेंगे, आज बैठे रहेंगे ज्यादा सड़क पे, मतलब आज बैठे रहेंगे अपने ऑफिस में, नहीं जाएंगे। बंद में क्या होता है, पीपल से डिक्लेयर कि आज पूरा डिस्ट्रिक्ट में कोई काम ही नहीं होगा। सपोज राकेश रोशन जी की एक बहुत बड़ी मॉल है, तो अब वो कहते हैं कि सर आप मॉल नहीं चला सकते आज, क्यों? क्योंकि XYZ एसोसिएशन ने कहा है कि आज बंद है, तो सब कुछ बंद करो, सड़क पे गाड़ियां नहीं चलेगी, बंद करो। तो बंद इज इलीगल। अब बहुत लोग पार्टीज स्टिल आज की डेट में भी बंद परफॉर्म होता है, पार्टीज डिक्लेयर बंद, बट दैट इज पर्टिकुलरली इलीगल। होने को तो आज करप्शन भी होता है, दैट इज टू इलीगल। तो बंद जो होता है वो कहीं से भी लीगल नहीं है। क्यों? क्योंकि बंद आपके फंडामेंटल राइट्स इलीगली टेक अवे करता है, बहुत सारे फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन आपके टेक अवे करता है। अब आपको प्रोफेशन करने का फ्रीडम है भाई, आप शॉप पे नहीं जा रहे हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं, आप दुकान तक पहुंच नहीं पा रहे हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं है। सपोज करिए कि मैं एक एक्टर हूँ, मैं थिएटर करता हूँ, वहां खुद को वहां मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, आपने बंद डिक्लेयर कर दिया है। तो बंद इज इलीगल, स्ट्राइक इज लीगल। आप समझ रहे हो, दो डिफरेंस है, ये लोगों में बहुत हद तक समझ नहीं आता। लोग बंद और स्ट्राइक को एक ही चश्मे से देखते हैं। बंद एंड स्ट्राइक आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इन विच स्ट्राइक इज लीगल, बट नन ऑफ देम आर फंडामेंटल राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्राइक इज लीगल, यू कैन डू दैट, बट इन सर्टेन केसेस इट कैन बी स्टॉप्ड, बट बंद इज टोटली इलीगल, यू कैन नॉट प्रैक्टिस बंद। नाउ रेस्ट्रिक्शन क्या है? रेस्ट्रिक्शन 19(1)(b) जो असेंबली का है, उसका रेस्ट्रिक्शन है सॉवरेनिटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी। अब ठीक है, यस ओके,
So someone sent me a joke on chat. Okay, leave that. We will discuss it later. So, well, it is interesting one. So, क्या हुआ कि now let's talk about certain restrictions. 191B में restrictions क्या हैं? Sovereignty and integrity. अब आप assemble करना चाहते हैं. अब इस तरीके से assemble कर रहे हैं. अभी अगर आपको याद हो, मतलब इतना interesting है constitution में बता नहीं सकता. मतलब I personally feel it's very interesting. क्योंकि जो आए दिन country में होता रहता है, आप हर वक्त compare कर सकते हैं. I was in Delhi when this CAA protests were going on. So there was this guy. अब मैं इसका नाम बोल रहा हूँ. जो he belongs to JNU. किसी को नाम पता हो तो चैट में प्लीज बताएं. आई होप बहुत लोगों को पता होगा. तो उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा ऐसा डिस्प्यूटेड कमेंट दे दिया था कि हम सब इतने लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है हमारी. सो वी कैन नो 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 कन्हैया भैया रुक जाइए, बात तो पूरी करने दो यार, पहले ही कन्हैया कन्हैया. सो ही सेड कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का उसको ब्लॉक कर देते हैं. चिकन नेक का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि इफ इंडिया इज अ चिकन देन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इज अ नेक ऑफ दैट चिकन. तो आप देखेंगे बहुत पतला सा लैंड है जो कनेक्ट करता है सेवन स्टेट्स को हमारे. तो उन्होंने कहा कि हम इतनी पॉपुलेशन है कि हम वहां जाके ब्लॉक कर देते हैं उस एरिया को, चिकन नक काट देते हैं. इससे क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा और इंडियन टेरिटरी अलग हो जाएगा. इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट और इंडियन फोर्सेस कैन नॉट इंटर इनटू द एरिया. सरजील इमाम नाम था जहां तक मुझे याद आ रहा है उसका नाम, मे बी मैं गूगल भी कर लेता हूँ तब तक. सरजील इमाम यही थे या कोई और थे. तो ही सेड चिकन नक का उन्होंने, हाँ यस ही वॉज सरजील इमाम. सो ही गेव दिस, अभय ने भी बताया सरजील. तो सरजील इमाम ने इस तरीके का बयान दे दिया. अब उन पे भैया लग गया सेडिशन, चलिए भैया आप अंदर, बहुत ज्यादा आपने खुद को एक्सप्रेस कर दिया, इतना एक्सप्रेस नहीं करना था. तो रेस्ट्रिक्शंस है ना सर, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के बाहर नहीं जा सकते. असेंबली करने, आप वहां असेंबल करने की बात करें, ऐसी जगह असेंबल हो जाओ जहां से हम कंट्री को डिवाइड कर दें, इंटीग्रिटी खत्म कर दें, तो ये चीजें नॉट, दीज आर नॉट अलाउड. पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर वही होता है पीस. पब्लिक ऑर्डर मतलब पीस को आप भंग करना चाहते हैं. पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना मीन्स मेंटेनेंस ऑफ पीस. अब आप ऐसे असेंबल हो जाओ कि पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए, मतलब दशहरा की यात्रा निकल रही है, अभी रथ यात्रा की बात है, रथ यात्रा निकल रही है. अब वहां पे कुछ लोग असेंबल करना चाहते हैं, सम पीपल से दैट आई वांट टू स्मोक, और उसी प्रोसेशन में जाके वही भीड़ में जाकर के हम स्मोक करना चाहते हैं, तो उनको अलाउ कर देंगे? नहीं करेंगे. कहेंगे सर हमारे पास असेंबल करने का फ्रीडम, हम कहीं जाके असेंबल हो सकते हैं. तो भैया आपको अलाउ थोड़ा ना कर देंगे, पब्लिक ऑर्डर खराब हो. या कुछ आप ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं जो एंटी हिंदू, और उसी रथ यात्रा में घुस के आप ऐसा करना चाहते हैं, आप कहें हमारे पास राइट है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, तो नहीं, पब्लिक ऑर्डर भी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते. एंड लास्टली ट्रैफिक मेंटेनेंस. असेंबली में इसको इसलिए रखा गया क्योंकि आपको पता है लोग कहीं असेंबल हो जाएं, लोग कहेंगे कि सर आज हमारा मन कर रहा है कि आज हम सीपी पे कनॉट प्लेस पे हम असेंबल हो जाते हैं और पूरा रोड को ब्लॉक कर देते हैं. सो दिस कांट बी डन. ट्रैफिक मेंटेनेंस इज ऑल्सो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन द फ्रीडम ऑफ असेंबली. तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शन आप जरूर पढ़ेगा मेरे सेशन के बाद, जब आप बेर एक्ट को पढ़ेंगे. आपको मैं कहता हूँ आपको बाहर की तो पढ़नी भी नहीं, मतलब पढ़िएगा जरूर, कमेंट्री पढ़िएगा, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर आप बेर एक्ट भी पढ़ लेंगे तो आपको 80-90% चीजें आ जाएंगी. मैं आपको इतनी चीजें बता देता हूँ. स्ट्राइक लीगल, ये बंद का कॉन्सेप्ट बहुत जगह नहीं होता, बट मैं हर इंटरेस्टिंग चीज चाहता हूँ मैं इसमें लाऊं और आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कभी आप कहीं आगे जाओ तो यही सब ट्रिकी चीजें जो पूछी जाती है. नॉर्मल चीजें तो कोई नहीं, एवरीवन नोज. कोई आपसे नहीं पूछेगा दैट डू वी हैव फ्रीडम ऑफ असेंबली, बिकॉज एवरीवन नोज दैट यस वी हैव फ्रीडम ऑफ असेंबली. बट दे विल आस्क दैट इज बंद लीगल, या इज गोइंग ऑन स्ट्राइक अ फंडामेंटल राइट एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास. ओके, मूविंग फर्दर, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. अब हम एसोसिएशन बना सकते हैं, एसोसिएशन मतलब ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, सोसाइटीज, क्लब, पार्टनरशिप्स, ये सब हम कर सकते हैं, ये भी फ्रीडम है 91C के अंदर. अब देखिए मैंने 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिखा है. 97th अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड यूज किया गया कि वी कैन फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी आल्सो इन आर्टिकल 19. तो ये जो डिराइव फंडामेंटल राइट था, पहले भी हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते थे बट इट वॉज डिराइव, उसको एक्सप्लिसिट फंडामेंटल राइट कर दिया गया. क्यों? क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया. अब तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है एक मिनट में बता देता हूँ. सपोज करिए अमूल का एग्जांपल लेता हूँ. सपोज करिए आप एक पर्टिकुलर, हम मान लेते हैं एक पर्टिकुलर विलेज है पालमपुर, ठीक है. अब वहाँ क्या हुआ, वहाँ 10 लोग हैं जो मिल्क का बिजनेस करते हैं, दे हैव काउज एंड बफेलोस. अब वो अलग अलग तरीके से मिल्क बेच रहे हैं तो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा. कोई 5 लीटर मिल्क जनरेट करता है, कोई 4 लीटर करता है, तो दे आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ बेनिफिट. तो उन्होंने कहा चलिए सर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, पालमपुर मिल्क कॉर्पोरेशन बनाते हैं, और हम सब एक मिल्क एक जगह ला करके एक ब्रांडिंग करके इसको बेचते हैं, और उसके बाद जो बेनिफिट होगा उसको हम अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. सो दिस इज वेरी मच लीगल. कोऑपरेटिव सोसाइटी यही होती है जब कुछ लोग साथ आकर के एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं और अपना बिजनेस रन करते हैं. मेनली पॉवर्टी को हटाने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया है.
तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाए सकते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको बताए एग्जाम्पल्स, रेस्ट्रिक्शन है, इसमें भी रेस्ट्रिक्शन। आप ऐसा एसोसिएशन नहीं बना सकते जो इमोरल हो। अब आप गैंग बनाने लग जाओ, आप अब जैसे कि अभी इनका कौन दुबे जी का गैंग था, तो अब आप गैंग बनाओ, सर वी हैव फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आई कैन फॉर्म अ गैंग, ऐसा नहीं हो सकता। अब आप बेटिंग स्कैंडल बेटिंग रैकेट शुरू कर दो, कह दो सर एक हमारे पास भी एक एसोसिएशन है सर, ये तो हम तो सर बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप है सर, तो वैसी चीजें आप नहीं कर सकते, दीज आर रिस्ट्रिक्टेड। इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी आपको बहुत जगह मिल जाएगा कि कंट्री, क्योंकि हर राइट के बाद ये चीज लिखी गई है कि कोई ऐसा राइट ना दे दी गवर्नमेंट जिससे आप कंट्री के खिलाफ जा सके, आप कंट्री की इंटीग्रिटी को खराब कर सके या सॉवरेनिटी को खराब कर सके। सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी क्या होती है आपको पता है, मैंने प्रीएम्बल में अच्छे से बताया। नो लेट्स कम टू पब्लिक ऑर्डर अगेन, पीस डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप ऐसे एसोसिएशन नहीं बना सकते जिससे पीस डिस्टर्ब हो, दिस इज ऑल्सो वेरी मच सेट। तो ये क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अब वही इसमें भी बात यह है कि अगर ट्रेड यूनियन है तो उनके पास बंद करने का ऐसा स्ट्राइक वो नहीं है, राइट नहीं कि आप बंद डिक्लेयर कर सकते, जो हमने पीछे बात करी। 1920 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आपके पास थ्रू आउट इंडिया फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। इसके दो पार्ट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रेसिडेंस के दो पार्ट है, सॉरी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हैं पूरे कंट्री में, लेकिन कंट्री के बाहर जाना क्या आर्टिकल 1920 में आता है। अगर मैं कहूँ कि कंट्री से बाहर जाना है तो इट विल बी इन आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आपको ये राइट देता है फ्रीडम ऑफ गोइंग अब्रॉड, इंडिया में कहीं घूमना है थ्रू आउट मूव करना है, दैट इज कवर्ड अंडर 1920। क्योंकि 1920 का अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया लिखा है, तो इंडियन टेरिटरी में मूवमेंट की फ्रीडम कौन देता है, आर्टिकल 1920 देता है। इंडियन टेरिटरी से बाहर जाने को 21 देता है, वो मेनका गांधी केस में बात हुई थी, क्योंकि उनका पासपोर्ट सीज कर लिया गया था तो उसमें कहा गया कि राइट टू मूव अब्रॉड इज ऑल्सो कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। तो ठीक है, उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, 21 में बात करेंगे। कुछ पे भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। अच्छा क्या हुआ इसमें भी, अच्छे अच्छे मैं आपको इंसिडेंट छोटे छोटे बताता हूँ। पब्लिक ऑर्डर का रेस्ट्रिक्शन है, हुआ ये कि उत्तर प्रदेश में एक बार राइड्स हो गए, जनरली होते ही रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो एक बार राइड्स हुए थे। सो ओवैसी जी ने क्या किया, जब राइड्स खत्म हो गए वहां पे पीसफुल एटमोसफेयर बना था, तो बनते ओवैसी जी बोले दैट आई वॉन्ट टू गो टू दैट पर्टिकुलर सिटी एंड आई वॉन्ट टू डिलीवर अ स्पीच एंड आई वॉन्ट टू टॉक विद माई फेलो ब्रदर्स। सो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेड, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला और कहा सर यू आर नॉट अलाउड टू कम हियर बिकॉज इट कैन डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक पीस। ओवैसी जी भड़क गए, कहे यू आर टेकिंग अवे माई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ले रहे हो। उन्होंने कहा नहीं सर, दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, देर आर सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन विच वी कैन टेक अवे योर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। उन्होंने कहा क्योंकि अगर आप जनरली जो आप स्पीचेस देते हो वो थोड़े से इंसाइट कर देते हैं लोगों को, तो आप इसलिए हम आपको अभी अलाउ नहीं कर सकते जगह आने। तो ये था, इवन सिर्फ यही नहीं, ऐसा भी है कि कुछ और तरीके से भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को बैन किया गया है। जैसे कि अगर आप देखें कि डोमेस्टिक वीजा लगता है, आपको पता है डोमेस्टिक वीजा का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आप अरुणाचल में जाना चाहते हो, अरुणाचल में आर्टिकल 371 पढ़िएगा, आर्टिकल 371 बहुत सारे प्रोविजन देता है बहुत सारे स्टेट को, स्पेशल राइट्स हैं उसमें, या फिर स्पेशल प्रोविजन है जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर के, ट्राइबल पीपल की जो उनके अपने लैंग्वेज है उनका अपना कल्चर है वो डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए 371 में बहुत सारे स्टेट्स को बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं। तो ILP होता है, इनर लाइन परमिट, ये लेना पड़ता है जब आप अरुणाचल में अंदर जाते हैं। तो आप कहते हो इवन बीइंग अ कंट्री सिटीजन ऑफ इंडिया इफ यू मूव टू अरुणाचल यू हैव टू टेक एन ILP इनर लाइन परमिट विच स्टेट कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, कितने दिन में वापस आओगे, लाइक अ वीजा। क्यों होता है ये, क्योंकि देखिए वहां पे ऑलरेडी रिसोर्सेज कम है, वहां पे लोग थोड़े रिसोर्सेज में काम चलाते हैं। अब आप इतना ज्यादा मनी पावर और टेक्नोलॉजी लेके अरुणाचल चले जाओ तो वहाँ के लोगों को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, आप सब कुछ टेक ओवर कर लो, वहाँ रिसोर्सेज इतने, आपको पता है फ्लोरा फौना इतना ब्यूटीफुल है वहाँ का। तो इन सब चीज़ों को सेफगार्ड करने के लिए, इवन ट्राइबल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए वहाँ पे ILP का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम डोमेस्टिक वीजा स्लैंग में कह सकते हैं, दिस नॉट अ पर्टिकुलर वर्ड ILP है, इनर लाइन परमिट। तो अरुणाचल में जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए को भी बचाने के लिए आपको क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अब क्यों है ये रेस्ट्रिक्शन, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जारवा एक ट्राइबल कम्युनिटी थी अंडमान एंड निकोबार की, अभी भी है। तो क्या हुआ कि अर्लियर जब लोग आते थे अंडमान घूमने जाते थे तो वहां गाइड क्या करते थे, सर आइए लेट मी शो यू द जारवा कम्युनिटी ऑफ अंडमान, और वो बड़े बड़े सिंपल कम्युनिटी के लोग होते, बहुत सीधे साधे लोग होते, उनको कुछ समझ नहीं आता, बहुत सिंपल लोग, कोई छल कपट नहीं हमारे तरह। सो उनको क्या किया गया, उनको कहा गया, लोग क्या करते थे उनको कुछ फूड दे देते थे, कुछ खाने को दे दिया तो वो हैप्पी हो जाते थे जारवा कम्युनिटी के लोग, फिर उनसे कहते चलिए अब आप डांस करिए, तो फिर जारवा कम्युनिटी डांस करती थी, तो दे शूट अ वीडियो और वो यूट्यूब पे डाल देते थे।
तो ये बात कोर्ट में गई, कोर्ट ने कहा सर यू आर मेकिंग फन ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, इन ट्राइबल लोगों का फन बना रहे हो यहाँ पे, किसी भी तरीके से आप उनको कोई ऐसा नहीं है कि कोई आप इंजॉयमेंट दे रहे हो। तो कोर्ट ने वहां पे कहा कि जारवा कम्युनिटी का जो एरिया है वहां कोई जा ही नहीं सकता। उसके बाद कोर्ट ने बैन कर दिया, अब आप जारवा कम्युनिटी के लोगों को नहीं देख सकते। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब वी हैव दिस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की भी एक रिस्ट्रिक्शन है। सपोज करिए आर्मी कैंट का एरिया होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, आपको पता है बहुत जगह, उसके अंदर आप नहीं जा सकते क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट थ्रेट में आ जाएगी। वहाँ आर्मी के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हैं, तो आप वो डेटा लीक कर सकते हैं, तो इसलिए आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है। तो ये जो इधर वाले आर्टिकल्स है ना, इसमें रिस्ट्रिक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम कम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रीडम तो एक लाइन में कह दिया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट कंट्री, अब कहाँ कहाँ नहीं है वो आपको रेस्ट्रिक्शन से पता चलेगी। लेकिन 19(1) में फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ फ्रीडम्स बहुत ज्यादा है, रेस्ट्रिक्शन कम है। यहाँ रेस्ट्रिक्शन जो है 3-4 है, उनकी हमने बात कर ली। ओके, इवन एक चीज और है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कहा था कि जैसे प्रोस्टिट्यूशन फॉलो होता है कुछ कुछ एरिया में, तो आपने अगर देखा हो, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, तो प्रोस्टिट्यूशन जनरली एक लिमिटेड एरिया में परफॉर्म होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया है। जैसे कि इंडिया की बात करें तो एशिया का, अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो आई कैन नो कि एशिया का सबसे बड़ा ब्रॉथल इज इन सोनागाछी कोलकाता। सो अब वो लिमिटेड है एक एरिया पे, उसको स्प्रेड नहीं किया गया है, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है प्रोस्टिट्यूशन का भी बैंड है कि आप एक लिमिटेड एरिया में रहोगे, आप हर जगह नहीं जा सकते, हर जगह नहीं कर सकते। क्यों? इससे क्या होगा, एटमोसफेयर खराब होगा, तो उसके लिए पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। आपको पता है बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज होती है वहां पे। तो इवन किसी व्यक्ति को अगर एड्स है, सपोज करिए, अब आपको पता है एड्स जो है कम्युनिकेबल डिजीज है, वो फैल सकता है, तो उस पे भी क्या हो सकता है, पब्लिक ऑर्डर पे गवर्नमेंट जो है उसकी भी, उसको भी रेस्ट्रिक्शन कर सकती है, उसका भी मूवमेंट रोक सकती है। ऐसा नहीं है कि रोकती है हर केस में, बट कभी कभी अगर बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल है तो उनको कह सकती है सर आप पब्लिक प्लेस पर मत जाया करें, बचा करें, ऐसी चीजें भी होती हैं। तो कुछ हेल्थ के ग्राउंड पे भी आप कर सकते हैं, हैजा की एक बीमारी होती थी जो फैलती थी, तो जो फैलने वाली डिजीज है उसके बेसिस पे भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोका जा सकता है। तो दीज वर द सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस व्हिच आई टॉक्ड अबाउट। इसके बाद अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एक एक वर्ड क्यों लिखा गया है। जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल राज रघुवंशी ने दिया कि लॉकडाउन क्यों लगा गया है, इसीलिए तो आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपसे कटिल कर लिया गया है। क्यों किया गया है? हेल्थ के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, कि वहाँ लोगों को हो सकता है, एज वी नो कोरोना इज स्प्रेडिंग, तो इसके लिए लॉकडाउन लगाया गया है। तो जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो एक एक वर्ड का मतलब समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों कहा गया। नाउ राइट 19(1)(e) व्हिच टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। इसमें दो तरीके, सेटलमेंट एंड रेसिडेंस, दो वर्ड है और दो मतलब है। सेटलमेंट का मतलब ये है, फ्रीडम टू रिजाइड का मतलब ये है, और सेटलमेंट का मतलब ये है। रिजाइड इज अ टेम्पररी वर्ड, मतलब आप कहीं पर रिजाइड कर सकते हो, टेम्पररी मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं नैनीताल घूमने गया, अब मैं नैनीताल में 10-4 दिन रुक सकता हूँ, दिस इज माई फ्रीडम ऑफ रिजाइड। अब मुझे नैनीताल में घर ही लेना है, मैं ले नहीं सकता। वैसे हिमाचल प्रदेश को भी आपको मैं बताऊं, जैसे आप कश्मीर की लोग बहुत बात करते हैं, बट पीपल आर नॉट अवेयर कि हिमाचल प्रदेश में भी जमीन लेना बहुत मुश्किल है। वहां भी सेफ गार्डिंग करने के लिए उनके अपने प्रोविजंस हैं। तो 371 पढ़िए जाके आप, बहुत स्टेट्स को अपने स्पेशल प्रोटेक्शन दिए गए हैं। तो ऐसा क्या, नैनीताल में तो ले ही सकते हैं, नैनीताल इज इन उत्तराखंड। सो ऐसा है कि हिमाचल की, क्योंकि मुझे बात करनी थी, हिमाचल में आप ऐसे लैंड नहीं ले सकते, वहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। हिमाचल के लोग ले सकते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए, क्योंकि ट्राइबल एरिया के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे आपको। तो सेटलमेंट और रिजाइडिंग का आपके पास क्या है, फ्रीडम है। सेटलमेंट मतलब क्या, सेटलमेंट गिव्स परमानेंट सेटलमेंट, एंड रिजाइडिंग मीन्स अ टेम्पररी सेटलमेंट। रिजाइड से टेम्पररी वर्ड का मतलब है थोड़े दिन के लिए रुकना है, तो दैट विल कॉल्ड आप रिजाइड कर सकते हो कहीं पे। अब आपको वहीं पे घर बना के बस ही जाना है, सो दैट विल कॉल्ड सेटलमेंट, दैट इज सेटलिंग। तो दो पार्ट है फ्रीडम ऑफ 19(1)(e) का, ये दोनों पार्ट मैंने बात कर ली, ठीक है। इसका कारण ये है कि इससे लोगों के अंदर जो हो वो नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाए, यस वी आर वन। वी आर वन मतलब क्या, मैं नेल्लोर में जाके भी जमीन ले सकता हूँ, नेल्लोर में भी रह सकता हूँ। नेल्लोर इज इन आंध्र प्रदेश, और अगर आपको पता हो कि मैंने पोटी श्रीरामलु की बात करी थी, जिनको अमर जीवी का टाइटल दिया गया था, जो अरुणाचल प्रदेश के लिए जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था और हंगर स्ट्राइक से डेथ हो गई थी, तो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट का नाम श्री पोटी श्रीरामलु नेल्लोर रखा गया उनके नाम पे। ये एक पॉइंट ऐसे दिमाग में मेरे को स्ट्राइक कर रही, तो मैंने आपको बताया। तो सपोज आई वॉन्ट टू रिसाइड इन नेल्लोर, इवन टेम्पररली या फिर परमानेंटली, तो मैं दोनों कर सकता हूँ। मैं वाराणसी में जाना चाहता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। सो दीज आर राइट्स आर गिवन बाय 19(1)(e). अब इसमें रेस्ट्रिक्शन हैं दो, ग्राउंड दो, क्या क्या है।
इसमें भी रेस्ट्रिक्शन, एक इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब की प्रोटेक्शन की बात आई गई जो मैंने आपको बताया, अभी हमने डिस्कस किया ना कि शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ एरियाज हैं वहां आप नहीं जा सकते, वहां जमीन नहीं ले सकते, वहां पे आप घर नहीं बना सकते, तो इसकी तो हमने बहुत सारी बात कर ली है। और जनरल पब्लिक में बात यह है कि मैंने आपको बताया हैबिचुअल ऑफेंडर एंड प्रोस्टिट्यूशन के लिए कुछ एरियाज बैन कर दिए जाते हैं, सर आप नहीं जा सकते वहां पे, सो दीज आर ऑल्सो सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। दो रिस्ट्रिक्शन में दिए गए, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स सेटलमेंट एंड डिसाइड में होता है। 19(1)(f) क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसकी बात हम करेंगे ही नहीं क्योंकि ये 19 में अब है ही नहीं, जब हम वहां जाएंगे तो हम इसकी बात करेंगे। बस सिंपली एक बात बता दूं, ये अब इसको हटा के 300A में कर दिया गया है, पहले ये फंडामेंटल राइट था, अब ये कौन सा राइट हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये अब भी है बट दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ओमिट करके वहां भेज दिया गया था। 19(1)(g) क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ये आखिरी चीज है, बस खत्म होने वाली है आज का सेशन। Everyone has the freedom of profession, occupation. अब आप कोई job occupation करना है आपको, कोई profession follow करना है, कोई business करना है, कोई trade करना है, so we are very much free कि हम उस तरीके का profession practice कर सकते हैं, आप मैं हर कोई, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठ के एक profession follow कर रहा हूँ, तो we are free. क्यों? क्योंकि हमें constitution ने ये power दी है, ये freedom दी है। तो अब देखिए इसमें भी क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि मैंने बात करी हर जगह क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। अब इसमें क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दे दिया, कोर्ट ने कहा कि सर जी दो रिस्ट्रिक्शन है, एक तो प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ऐसा नहीं है कि आप कुछ, अब सपोज समवन वांट्स टू बी अ डॉक्टर, कि सर बचपन से सपना था जी डॉक्टर बनना चाहता हूँ, पढ़ाई लिखाई कितनी की हो, सर 10th बस पास हूँ उसके बाद नहीं पढ़ा, अब आप कहोगे नहीं मुझे डॉक्टर बनना है बिकॉज आई हैव फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, तो दिस इज नॉट वैलिड, कोर्ट स्टेट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड सर्टेन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस समथिंग। ब्रिज बनाना, अब आपको इंजीनियर बनना है, अब ब्रिज बनाना चाहते हो आप, आपको भी नहीं मुझे ब्रिज बनाना है, आप तो वहाँ पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा ना गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट आपकी क्वालिफिकेशन देखेगी तभी तो आपको काम देगी। सो दीज आर द थिंग्स कि कुछ प्रोफेशंस के लिए टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी है, ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। और दूसरा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ये है कि कुछ ट्रेड को गवर्नमेंट अपने आप कंप्लीटली या पार्शली टेक ओवर कर देती है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बवाल हुआ था इससे कि अब आपको पता है अगर आप अभी लॉकडाउन का टाइम देखो बहुत सारे होटल्स को गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर दिया है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू कोविड हॉस्पिटल कह लो या कोविड सेंटर कह लो जो भी कह लो, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे होटल्स को टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट ने। तो ये कहाँ 19(1)(g) के पार्ट बी में जो रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, 19(1)(g) का जो रेस्ट्रिक्शन उसमें है कि गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू टेक समवन्स ट्रेड, ठीक है, गवर्नमेंट कैन कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड। कल को अगर लगता है कि कोई आपकी सपोज करते हैं एक कंपनी है ITC, सपोज करते हैं ITC कल बैंकक्रप्ट हो गई, अब क्या होगा, अब गवर्नमेंट ने उससे बहुत सारे लोन दे रखे हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, टेक ओवर कर लेगी ITC को, कहेगी अब हम ITC चलाएंगे, अब आप सही चले जाइए। सो दिस इज वेरी मच गिवन इन, अब ITC ये नहीं कह सकती कि सर आप मेरा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन छीन रहे हो, नहीं। तो दो रेस्ट्रिक्शन है इसमें, ये बी वाला जो थोड़ा बड़ा रेस्ट्रिक्शन है कि स्टेट कैन टेक ओवर योर ट्रेड। तो ये दो बातें थी, ये आज का पूरा समरी था। अगर मैं 19(1)(g) और सबका, अब आप क्या करिएगा कि बेयर एक्ट आज पढ़ लीजिए, नहीं आज पढ़ेंगे तो फिर से सब कुछ नया होगा, दिक्कत होगी। बहुत मेहनत से इतने पॉइंट्स में लेके आया हूँ आपके लिए, तो इसको फुल यूटिलाइज करिए, जब तक 15 अगस्त तक मैं जितना आपको दे सकूँ मैं उतने देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसके बाद मेरे अदर कमिटमेंट्स भी हैं, तो फुल यूटिलाइज कर लीजिए इन चीज़ों का। और बशेश्वर नाथ का केस पढ़ लीजिएगा, एक दो केस और मैं नाम लिख दूंगा क्योंकि मैं केस डिस्कस नहीं करना चाहता, सेशन बहुत लंबे हो रहे हैं। So I'm going to end this session. Thank you all. I hope कि आपको समझ में आया हो, आपने enjoy किया हो। कोई doubt है तो मुझे chat पे आप कह सकते हैं। I will reply to that doubt. I'm waiting for a minute. Okay. Thank you, everyone. कोई डाउट नहीं है तो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर, थैंक यू, कल मिलते हैं, कल हम 2021 की बात करते हैं और कोशिश करते हैं 22 लेने का भी, 22 ले नहीं पाएंगे, 2021 ही कर पाएंगे कल हम। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।